ग्वालियर में संपत्ति विवाद के चलते पूर्व विधायक महेंद्र यादव की चचेरी बहन और गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव के रिश्तेदार अनीता यादव से उनके जेठ अरुण यादव और उनके बेटों ने मिलकर जमकर मारपीट की है। आरोपियों ने महिला की 19 साल की बेटी प्रज्ञा और उसके बेटे के साथ भी मारपीट की है। मारपीट ग्वालियर व्यू, वही घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही, जब पीड़ित महिला मुरार थाना गई तो उसे वहां से बिना शिकायत सुने चलता कर दिया। महिला ने जब अपनी पीड़ा महिला थाना में बताने की कोशिश की तो उसे यहाँ भी पुलिस की बेरुखी का सामना करना पड़ा। तकरीबन 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद उसकी सुनवाई हुई। पीड़िता का कहना है कि जेठ के राजनीतिक रसूख के चलते ग्वालियर पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि उन्होंने कई बार पुलिस से अपनी जान को खतरे में होने की शिकायत दर्ज कराई है। मेरा प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, मेरे हस्बैंड 5 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। ये लोग मुझे किसी ना किसी द्वारा परेशान कर रहे हैं। पहले तहसील में ले गए, वो धोखाधड़ी से बहुत सारे नेतागिरी चला के बहुत सारे काम किए इन्होंने, उसमें ये सक्सेस नहीं पा पाए तो फिर इन्होंने मुझे ऐसे परेशान करना शुरू कर दिया। सारे लड़के मुझे अपनी दादागिरी दिखाते हैं। मैं अकेली महिला हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। कौन लोग हैं ये जो आपको परेशान कर रहे हैं? ये जेठ है मेरे। अच्छा, क्या नाम है उनका? अरुण यादव, उनके सारे बच्चे दोनों, उनकी पत्नी और अनिल यादव, उनके बच्चे, उनकी दोनों उसकी पत्नी शैला यादव, शैला यादव जेठ का लड़का है। आज क्या हुआ था? आज कुछ नहीं हुआ था, मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करने गई थी कि ये मतलब गलत कर रहे हो आप, मेरे संग गलत कर रहे हो तो ऐसे ही करेंगे, बताओ सही कर देंगे तेरे को, तो तेरे को सही कर देंगे, तेरा ये कर देंगे, तुझे बताएंगे, तू ज़्यादा वो बनती है, प्रॉपर्टी तुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तुझे प्रॉपर्टी दिलाते हैं, आ जा। अरे मारते पहले घर में, मैं मुझे मारने को खींच लिया उसने, मैंने कहा क्या बात है, मैं पूछने गई, उतने में मुझे खींच लिया, अंदर मार के फिर मेरे को मैं बाहर को भगी तो बाहर पीछे मारते हुए। कहाँ की घटना, कहाँ की है ये? अरुण यादव के घर की घटना है, और सड़क पर भी मारा है। हमें भागी ना बाहर सड़क को, तो सड़क पे भी सब लोग खींच के खड़े हो गए, संबंधित थाने गए थे, वो पहले से खड़े हुए थे, तो मैं महिला थाने में आ गई। मैंने कहा यहाँ शायद मेरी जल्दी सुनवाई होगी, वहाँ वो नेतागिरी चला रहे हैं अपनी। कितनी देर से? एक नेता है जो उन्हें का बहुत खासम खास है। कौन नेता है? परिवार में ही है। क्या नाम है? वहीं शुक्रवार को भी अचानक उन पर हमला किया गया है, उनकी बेटी और बेटे को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा है। मैं तो आपके सामने आया हूं और 1 मिनट में इनकी सुनवाई किया मैंने, और इनका जो नियम विधि अनुसार कार्रवाई होगी मैं पूरा कार्रवाई इनका करूंगा, इसके लिए मैं करबद्ध हूं मैं, और महिला का सेवा करना ही महिला थाने का धर्म है, कर्तव्य है मेरा। वो मैं पूरी कार्रवाई करूंगा, उसको जांच करके पूरी कार्रवाई करूंगा, अभी मेडिकल वेडिकल करा के इनकी पूरी कार्रवाई करूंगा। नहीं, अफसर नहीं था, तो मैं एक्चुअली कोर्ट में था, मैं कोर्ट से आपके सामने आया हूँ, और इसकी सुनवाई 2 मिनट के अंदर आपके सामने कर लिया गया है, और आपके सामने ही आया हूँ मैं। ठीक।